अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ मैक्रोनी रेसिपी। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बीफ मैक्रोनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा वाटर, साल्ट 1 टीस्पून, और टू टेस्ट मैक्रोनी पास्ता 250 ग्राम। हम इसको अब अच्छे से स्टिर करेंगे एंड बॉयल करेंगे 6 से 8 मिनट के लिए। हमने पास्ता को अच्छी तरह से बॉयल करना है। अब हम स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करेंगे और कोल्ड वाटर ऐड करेंगे मैक्रोनी में और ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और साल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने बॉयल्ड पास्ता को। अब हम फ्राई पैन में ऑयल लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून, सीमन सीड्स लेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक चॉप 2 टेबल स्पून, अनियन चॉप 1/2 कप लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे 4 से 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। और बीफ मिंस ऐड कर देंगे 300 ग्राम, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब अच्छे से मिक्स कर देना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। कीमे को कुक करेंगे। अब हम कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। साल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे कीमे में। और टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट्स के लिए। आप जानते हैं जो बीफ मिंस होता है वो जल्दी नहीं पकता, इसलिए हमें इसे अच्छे से पकाना है। और फ्रेश कोरिएंडर चॉप्ड और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे जो कि चॉप्ड कर ली थी मैंने ऑलरेडी, और अच्छे से मिक्स कर देंगे सब इंग्रेडिएंट्स। हमारी मैक्रोनी, बीफ मैक्रोनी तैयार है। ट्राई कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।